काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मेल मास्टरबेटर के बारे में बताइए, मेल मास्टरबेटर। तो मेल मास्टरबेटर क्या होता है कि भाई पुरुषों को मास्टरबेशन करने के लिए रेडीमेड टॉय या खिलौना, जिसको बोलते हैं मेल मास्टरबेटर। मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसमें मैंने बताया कि मास्टरबेशन कोई गलत नहीं है। तो चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं, मेल मास्टरबेटर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टरबेशन ये नॉर्मल प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग मेरे पास में आके बहुत बहसबाजी करते हैं, बोले वो फलाना फलाना वीडियो है उसमें बोला है कि मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वीर्य रोक के रखना चाहिए। वीर्य रोक के रखा तो ब्रह्मचारी आदमी जो है वो बहुत सालों तक जीता है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं। या हस्त मैथुन करने से वीर्य पतला हो जाता है या नसें कमजोर हो जाती है। इतना दिमाग लोग खाते हैं, उनको बताते बताते मेरे नाक में दम आ जाता है कि अरे भाई मास्टरबेशन नॉर्मल है। हाँ, मगर मास्टरबेशन यदि आप एबनॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। और एबनॉर्मल तरीका कौन सा है कि भाई बहुत ज़्यादा समझो ये लिंग है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देके फिर मास्टरबेट कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, इससे सेंसिटिविटी पेनिस की कम हो जाएगी। और शादी के बाद में इतना ग्रिप नहीं रहता ना वजाना में, कि इतना ग्रिप रहेगा भेजाना में और इतने ग्रिप से वो मास्टरबेशन मतलब वो इंटरकोर्स होगा, ऐसा तो नहीं रहता। तो उस समय फिर प्रॉब्लम आएगा, उस समय मजा ही नहीं आएगा। तो मास्टरबेशन करना है तो नॉर्मल करना है, और उस समय आप ऑयल का वापर कर सकते हैं, क्रीम का वापर कर सकते हैं, जेली का वापर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो के कोई जख्म वगैरह ना होए। दूसरा मास्टरबेशन का जो प्रॉब्लम है कि भाई मास्टरबेशन की आदत लग जाती है, और आदत मेरा मतलब यह है कि भाई इच्छा नहीं होते हुए भी आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं है मगर वो बार बार विचार आ रहे हैं, वो मास्टरबेशन करना ही पड़ता है। मतलब बहुत सारे विचार सेक्स के आते रहते हैं कंटिन्यूसली और वो मास्टरबेशन करना ही पड़ता है, तो वो एक गलत है, उसके लिए भी इलाज है। अदरवाइज आप रोज भी एक बार मास्टरबेशन करते तो कोई एबनॉर्मल नहीं है। अब मास्टरबेशन करने के लिए मेल मास्टरबेटर का यदि आप ऑफर करते हैं तो मेल मास्टरबेटर वजाना जैसा रहता है, सिलिकॉन का है, छेद है उसको, उसमें आप पेनिस अंदर डाल सकते हैं और उसको नीचे गद्दी पर रख के उसके ऊपर से आके उसमें पेनिस को डालना और फ्रिक्शन करना, यह संभव है। या पेनिस को कवर करने वाले ऐसे हॉलो वाइब्रेटर्स है कि जो जिसमें आप पेनिस डाल सकते हैं, वाइब्रेट करेंगे और उसको आपको उसमें मास्टरबेशन का मजा आएगा। तो ये ऑनलाइन आप बुला सकते हैं, बहुत सस्ते में है, और आपको हाथ से नहीं करना है तो उससे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही कि मास्टरबेशन करने के समय आपने रगड़ना नहीं चाहिए, पेनिस गद्दी के ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए। सॉफ्ट हल्के से आराम से मास्टरबेशन आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मास्टरबेशन से मतलब हस्त मैथुन से या मुट्ठी मारने से ना आपकी ज़िंदगी कम होती है, ना आपको जल्दी मृत्यु आएगा, या आपका वीकनेस हो जाएगा, या आपका लिंग छोटा हो जाएगा, या शादी के बाद में आप काम के नहीं रहेंगे। ये सब गलत फहमियाँ हैं, मास्टरबेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, मास्टरबेशन नॉर्मल कब होता है कि जब बीबी घर में इंटरकोर्स करने के लिए मौका है और वो अवॉइड करके आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। लोग बहुत आते हैं कि भाई नहीं, बीबी के साथ में मैं नहीं कर सकता हूँ, हस्त मैथुन कर सकता हूँ, उसमें मेरे को इरेक्शन आता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है कि भाई परफॉर्म मैं नहीं कर सकूंगा, ये डर है, तो उसमें मास्टरबेशन करते हैं लोग, तो वो भी एक गलत है क्योंकि फिर आपको उसकी आदत लगी हुई है, तो ये गलत है। अदरवाइज मास्टरबेशन करो। हाँ, बीबी समझो प्रेग्नेंट है, बीमार है, बाहर गाँव गई है, आप दूर रहते हैं पति पत्नी, तो मास्टरबेशन करना ये एक नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल तरीका है आपका सेक्स एपेटाइट जो है उसको शांत करने का। तो मेल मास्टरबेटर का आप जरूर वापर कर सकते हैं और अपनी जो सेक्स की इच्छा है, भूख है, उसको आप शांत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
या ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।